सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि BGMI में न्यू अपडेट में क्या क्या आया है। तो आज की वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। शुरू से लेकर एंड तक देखना। एंड हाँ गाइज, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले हम पहले फीचर के बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी टीम को बुला लेता हूँ। रुको, टीम में जाता हूँ। ठीक है, पहले हम इधर मैप नहीं सेलेक्ट कर पाते थे, मैप नहीं देख पाते थे, लेकिन अब जो लीड पहले जो लीडर होता था वही मैप सिर्फ देख पाता था। अभी हम भी देख पाते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम। पहले सिर्फ लीडर ही मैप को ऐसे देख सकता था, अभी हम देख सकते हैं मैप। ये काफ़ी अच्छा अपडेट आया है, इसलिए लेआउट चेंज नहीं कर सकते थे। अभी लेआउट हम चेंज कर सकते हैं इधर, यहाँ से डायरेक्ट। पहले जो लीडर था वही चेंज कर सकता था या वही मैप में जा सकता था। नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, दूसरे फीचर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके लिए मैप मैच स्टार्ट करना होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हमें गाड़ी ले लेनी है, और काफ़ी ज़्यादा बंदों को यह पता लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर पता चल गया तो कमेंट करके जरूर बताना यार, और ये आपने नोटिस किया था या नहीं ये भी बताना। तो अभी देखिए, दिखाता हूँ। अभी यहाँ की लाइट ऑफ है, लाइट्स ऑफ है। अभी देखना, जैसे अंदर बैठूंगा लाइट चालू हो जाएगी, ऑन हो जाएगी, और पीछे की भी ऑन हो जाएगी। ब्रेक मारूंगा लाइट चालू हो जाएगी, ये पहले नहीं था। और इसकी टायर की ग्रिप भी इम्प्रूव कर दी गई है, टायर भी क्लियर दिख रहे हैं। ब्रेक मारते तभी भी लाइट होती है, तो ये पहले अपडेट में नहीं था और अभी आ गया है। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है गाड़ी, भी मस्त लग रही है। आपको कैसे लगा ये अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, तो भाई ग्राफिक गेम की काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है, एंड ख़ास करके गाड़ियों में अगर आप देख सकते हो। एंड टायर्स की ग्रिप भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है भाई, एकदम रियलिस्टिक लग रही है गाड़ी, एक नंबर लग रहा है। यहाँ पे FPP में स्विच करके भी अंदर भी काफ़ी इम्प्रूव कर दिया है। यहाँ पे पहले ये कुछ दिख नहीं रहा था, अभी बहुत मस्त कर दिया, काफ़ी इम्प्रूव कर दिया। और एक नया फीचर ये भी आया है, यहाँ से आप क्लिक करोगे, इवेंट पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर एक इवेंट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे गो पे क्लिक करना है आपको, तो लोडिंग लेगा फिर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप फ्री में आउटफिट ले सकते हो। अभी बैकपैक तो टाइम लिमिटेड था, आउटफिट आई थिंक परमानेंट होगी। यहाँ से ये सब को कलेक्ट कर लेना है, ये टिकट। एंड यहाँ पे 12 हो गए तभी आपका एक स्पिन होगा, मतलब क्राफ्ट होगा 12, तभी मेरा 24 है तो 2 होगा। अभी दूसरा ये आई थिंक पर, तो यहाँ से अब ये बैटल ग्राउंड्स वालों ने अपने खुद की वेबसाइट बना ली है। तो अभी यहाँ से इन्हें डायरेक्ट वेब के इवेंट होते हैं ना, जब ऑनलाइन इवेंट वो होते हैं क्रोम के, वो अभी यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं वेबसाइट के इवेंट। तो उसने आपकी खुद की वेबसाइट बना ली है BGMI वालों ने, तो अभी वो जो भी इवेंट आएंगे ना, जो भी इवेंट वेबसाइट का आएगा तो इधर से डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट हम वेबसाइट में जा सकते हैं। तो अभी वो हफ्ते में एक आधे दो हफ्ते में आते रहेंगे, अभी वो चालू रहेंगे। पहले नहीं आते थे, सिर्फ PUBG मोबाइल में आते थे, BGMI में नहीं आते थे, अभी इसमें भी आने लगेंगे।
नेक्स्ट पिक्चर के बारे में बात करते हो भाई, हम चीर पार्क में जाने पड़ेगा। चीर पार्क में जाते हैं तो जैसे ही चीर पार्क स्टार्ट करोगे तो ऐसा इंट्रो टाइप का कुछ आएगा। एंड भाई यहाँ पर बहुत सारी चीज़ इम्प्रूव कर दी गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म लगाए गए हैं, जिस साइड भी आपको ऐसे जाना है तो आप ऐसे चलोगे, आपके हिसाब से चलेगी। और मान लो मुझे ऐसा इस साइड को जाना है, मुझे चल जाना है, अपने आप वहाँ पर भेज देगी। बहुत सारी चीज़ यहाँ पर वाटर, स्विमिंग पूल वगैरह बहुत सारा चीज़ इम्प्रूवमेंट की थी। सबसे मेन बात भाई यहाँ पर कार रेस भी आ गई है। यहाँ पर हम रेस लगा सकते हैं कार के साथ। हम यहाँ पर लीडर बोर्ड भी आता है शायद यहाँ पर। हाँ यहाँ पर आप सबसे कम सेकंड में जिसने जल्दी रेस कंप्लीट कर ली तो उसका नाम यहाँ पर लीडर बोर्ड में आता है। यहाँ पर देखे आ गया। यहाँ पे क्लिक करके आप रेस को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन नंबर जितना होगा उतने में आपकी बारी आएगी। सबका एक एक नंबर होगा। अब लोग पूछ रहे हो भाई ट्रेनिंग ग्राउंड कहाँ पर है, तो और ढूंढना पड़ेगा यार। यहाँ पर कहीं पर होगा, फिर ढूंढ लेता हूँ। ये क्या, ये आई थिंक यही, हाँ यही है यही। यहाँ पर आपने इक्विपमेंट ले लेने हैं, वो ले ली 2x। और भाई पुराने चीर पार्क में क्या होता था भाई, बंदे आपको परेशान करते रहते थे, बीच में आते थे, गाड़ियाँ फोड़ते थे यार। अभी सॉल्यूशन निकाल दिया BGMI वालों ने भाई। इसके अंदर कोई जा नहीं सकता, और जिसने अंदर ये लगाया ना, ट्रेनिंग लगाया ना, वही जा सकता है, बाकी कोई नहीं जा सकता। कोई परेशानी नहीं कर सकता यार आपको। एंड भाई मेन चीज सब गाड़ियाँ लेकर फोड़ते थे। अभी दूसरी चीज दिखाता हूँ, कोई यार गाड़ियाँ फोड़ ही नहीं सकता। अभी गाड़ियाँ एकदम बैन लगा दिए सर, फोड़ ही नहीं। यहाँ पर रिक्शा पड़ी है, कोई फोड़ ही नहीं सकता यहाँ, एकदम लोहे की बना दिए हैं, कोई नहीं फोड़ सकता। ये काफ़ी मस्त अपडेट है इसमें भी। पहले यार बंदे बहुत फोड़ते थे, चलाने भी नहीं देते, फोड़ डालते थे, और वहाँ पे ट्रेनिंग भी नहीं करने देते थे। तो ये काफ़ी मस्त चीज़ लगी मुझे भी। एंड भाई ट्रेनिंग हम करते थे जब भी, तो वहाँ पे भी काफ़ी बंदे परेशान करते थे। अभी यहाँ पे कोई परेशान, सबका अलग अलग रूम हो गए, जैसे कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, कोई अंदर नहीं आ पाएगा। यहाँ पे क्लिक करना ट्रेन पे, और यहीं पे रहेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। और भाई अभी इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर दिया है भाई। आप 100 जो पॉइंट्स है वो आराम से ले सकते हो। मेरा तो फ़ोन गर्म हो गया इसलिए मैं अच्छे से नहीं कर पाया। आप 100 पॉइंट आराम से ले सकते हो, एकदम इजी कर दिया है। तो यहाँ से भी मस्त हो गया है, ये भी मस्त कर दिया है। यहाँ पे नाम ही लीडर बोर्ड भी है, यहाँ पे लाइन, यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ा लीडर बोर्ड, सब ने 100 कर दिया है, ये मस्त है। यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरग्राउंड जोन, ये भी एरिया काफ़ी बड़ा कर दिया है, बहुत ही वाइड एंगल है, बहुत बड़ा कर दिया। एंड यहाँ पे गेमिंग सेंटर है, मैं गया तो नहीं हूँ, चलिए देखते जाते हैं। खुल जाओ सिम, कैसे खुलता भाई, ये खुलता कैसे, पीछे जाना पड़ेगा क्या भाई। हेलो गेमिंग सेंटर भाई, क्या है ये, इधर ऑप्शन नहीं आ रहा क्या भाई, तो पता नहीं क्या है ये। गाइस आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट में जरूर बताना क्या है ये। गेमिंग सेंटर तो लिखा है, अंदर कैसे जाते हैं यार। और भाई इधर भी कुछ है, शॉपिंग सेंटर, पूरा मॉल बना दिया भाई इधर तो।
फिर बैठने का ये भी मस्त है, स्विमिंग पूल वगैरह। ओ भाई क्या ही पानी है बाहर, ज़बरदस्त पानी भाई, ज़बरदस्त। और आगे जाते हैं, आगे शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाते हैं। यहाँ पर क्या है, अंदर क्यों नहीं घुसने दे रहे भाई? केस शॉप, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खोलो। इधर क्या है, ये शॉप के लिए भाई, ये आने वाला है, मैं कुछ लगता है कुछ आने वाला है इसमें, कुछ फीचर में आने वाले दिनों में कुछ आने वाला ऐसा ही लगता है मुझे। हाल है बहुत सारे दरवाजे भाई इसके, तो शॉपिंग सेंटर एंड गेमिंग सेंटर, कुछ तो आने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है भाई। एंड यहाँ पे आप नहीं गए तो यहाँ पे भी आप गुब्बारा होता है बहुत बड़ा, ये भाई यहाँ पर कोई कैसा गार्डन जैसा बना के रखा है, बीच में आइलैंड आप देख सकते हो, यहाँ पर वही है सिमिलर है। यहाँ पे भी आपको बना रखा है, यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा मस्त है, पार्क जैसा। यहाँ से आप व्यू ले सकते हो समुंदर का, पानी का। एंड आगे बढ़ते एक्सप्लोर करते हर चीज़ों को, क्या क्या नया आया है। एक तो गेमिंग सेंटर हो गया, एक शॉपिंग सेंटर हो गया, एंड ये क्या भाई, शेर पार्क। अच्छा ये गेट है, एंट्री गेट। अच्छा काफ़ी ज़्यादा यार एक दिक्कत आ रही है मुझे इसमें, जब भी हम रेस लगाते हैं तभी। एक दिन तो मैं यार ऊपर चढ़ गया था, वहाँ पर कुछ है, यहाँ पर देखो झूला है ना ऊपर, झूला कहीं कहाँ पर है यार, झूला शायद ऊपर है वहीं पे कहीं पे, वहाँ चला तो गया फिर वापस नहीं आ पाया मैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ रहे सामने सामने, यहाँ चला तो गया था लेकिन वापस नहीं आ पाया, बहुत ही दिक्कत है। यहाँ पे जाके आई थिंक हाँ यहाँ कहीं पे जाते हैं, यहाँ से जाके झूले में बैठ सकते हो, वहाँ जाने के बाद वापस ही नहीं आ पाए, मेरे को बाहर निकलना पड़ा। यहाँ से अब रेस स्टार्ट करते हैं, सोलो रैंडम व्हीकल, नहीं नहीं रैंडम नहीं, अपने को मैक्लारेन चाहिए भाई, बाइक भी है। अच्छा तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैंने कोई भी टॉपिक छोड़ दिया और या मुझे कुछ पता रह गया हो कुछ भी तो कमेंट में लिख कर ज़रूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।